नमस्कार, न्यूज सुपर भारत में आप सभी का स्वागत है। अब जानते हैं हिमाचल प्रदेश की तमाम खास खबरें। हिमाचल प्रदेश में क्या कुछ खास रहा है, पूरी जानकारी आपके साथ ही साझा करेंगे। सबसे पहले आपको बता दें कि हिमाचल में बैंकिंग सेक्टर में निकली नौकरियां, जी हां, बैंकिंग सेक्टर में हिमाचल प्रदेश में नौकरियां निकली हैं और कितनी पोस्ट हैं, कितने पद हैं और किस तरह की जॉब है, पूरी जानकारी आपके साथ ही साझा करेंगे। बीजेपी की रैलियों में भीड़ देकर कांग्रेस में बौखलाहट, ये बात किसने कही है कि बीजेपी की रैलियों में लोगों की भीड़ देकर कांग्रेस बौखला गई है, पूरी जानकारी आपके साथ ये भी साझा करेंगे। हिमाचल की जनता से कांग्रेस की अपील, कांग्रेस ने हिमाचल की जनता से अपील की है, क्या अपील कांग्रेस द्वारा की गई है, पूरी जानकारी ये भी आपके साथ साझा करेंगे। तो यह है आज की कुछ खास खबरें। इससे पहले कि आपके साथ सारी खबरें विस्तार से साझा करूं, आप सभी हमारे खबरों को लाइक करें, शेयर करें और एनएसबी न्यूज को स्टार भेजें ताकि हमें आपका सहयोग मिले और हम इसी उत्साह के साथ आपको हर खबर से रूबरू करवाते रहें। हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा 18 सितंबर से शिमला संसदीय क्षेत्र से शंखनाद करेंगे। नड्डा चार दिन प्रदेश के चारों संसदीय क्षेत्रों में ऊर्जा संभालेंगे। 18 सितंबर को वे शिमला संसदीय क्षेत्र के सोलन, 19 को हमीरपुर संसदीय क्षेत्र के बिलासपुर और 20 को मंडी संसदीय क्षेत्र के मंडी और 21 को कांगड़ा संसदीय क्षेत्र के कांगड़ा में पंचायती राज स्थानीय निकायों के प्रतिनिधियों को संबोधित करेंगे। हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप और स्वर्णिम दृष्टिपत्र समिति के अध्यक्ष प्रोफेसर सिकंदर कुमार ने मंगलवार को एक वेब पोर्टल बीजेपी एचपी संकल्प पत्र 2022.org लॉन्च किया है। इसके साथ ही एक व्हाट्सएप नंबर 9112345678 भी जारी किया गया है। ये लोकार्पण भाजपा के प्रदेश कार्यालय दीपकमल में किया गया। इस लोकार्पण के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए कश्यप ने कहा कि भाजपा ने दृष्टि दस्तावेज के लिए 21 उपसमितियां बनाई हैं। समाज के सभी वर्गों को पत्र भेजकर सुझाव मांगे जा रहे हैं। बैंकिंग क्षेत्र में नौकरी का इंतजार कर रहे बेरोजगार युवाओं के लिए जॉब आने का सुनहरा अवसर है। आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी बैंक 61 पदों पर भर्ती करने जा रहा है। इच्छुक अभ्यर्थी 30 सितंबर तक बैंक की वेबसाइट www.hpscb.com पर जाकर जो है ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। भर्ती परीक्षा राष्ट्रीय एजेंसी IBPS मुंबई द्वारा दो चरणों में ली जाएगी। पहले स्क्रीनिंग टेस्ट और उसके बाद मुख्य परीक्षा होगी। स्क्रीनिंग टेस्ट पास करने वाले अभ्यर्थी मुख्य परीक्षा दे सकेंगे। पंजाब युवा कांग्रेस अध्यक्ष बरिंदर सिंह ढिल्लों ने मंगलवार को शिमला में पत्रकार वार्ता करके हिमाचल की जनता से अपील की है कि आम आदमी पार्टी के धोखे में न आए। पंजाब में जो हालात हो गए हैं उसे अब आपके झूठ और फरेब का पर्दाफाश हो गया है। कानून व्यवस्था, स्वास्थ्य सेवाएं और शिक्षा व्यवस्था पटरी से उतर चुकी है। लोकतंत्र के चौथे स्तंभ मीडिया कर्मियों पर मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं। हिमाचल के ग्रामीण विकास मंत्री वीरेंद्र कंवर ने अंदरौली में 9.5 करोड़ से बन रहे ग्रामीण सैनिटरी मार्ट और एथनोबोटेनिकल पार्क के निर्माण कार्य का निरीक्षण किया। इस दौरान उनके साथ KDTS के अध्यक्ष और DC राघव शर्मा भी मौजूद रहे। वीरेंद्र कंवर ने कहा कि CM जयराम ठाकुर इस प्रोजेक्ट के उद्घाटन के लिए जल्द कुटलहड़ आएंगे। इस दौरान गोविंद सागर झील में वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज का शुभारंभ भी किया जाएगा। हिमाचल प्रदेश के सोलन पुलिस की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम ने शहर के लोहे बाजार में दो युवकों से चिट्टा बरामद किया है। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर अगली कार्रवाई शुरू कर दी है। जानकारी के मुताबिक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट सोलन की टीम गश्त के दौरान लोअर बाजार में मौजूद थी तो अजय राणा निवासी संगड़ा जिला सिरमौर और शुभम राणा निवासी संगड़ा जिला सिरमौर के कब्जे से 22.86 ग्राम चिट्टा बरामद किया गया है। हिमाचल में हमीरपुर स्थित मेडिकल कॉलेज के अस्पताल की कैजुअलिटी वार्ड में अब एक्सरे सुविधा उपलब्ध हो जाएगी। इसके लिए पोर्टेबल एक्सरे मशीन इंस्टॉल की जा रही है। अगले कुछ दिनों में यह सुविधा उन मरीजों के लिए उपलब्ध हो जाएगी जो देर सवेरे गंभीर रूप से घायल अवस्था में कैजुअलिटी वार्ड में आते हैं और इससे ऑन द स्पॉट सुविधा मिलने से उन्हें लाभ ही होगा। हिमाचल के कांगड़ा स्थित पालमपुर में CM जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश में बीजेपी ने विकास करवाया है और जिसके चलते भारी संख्या में लोग रैलियों में आ रहे हैं, इससे कांग्रेस पार्टी में बौखलाहट पैदा हो गई है। उन्होंने कहा कि भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री शांता कुमार ने कहा कि अगर बीजेपी एक बार फिर से सत्ता में आती है तो वह उनके जन्मदिन का बहुत बड़ा तोहफा होगा। इस तोहफे को पूरा करने के लिए पार्टी प्रयासरत है। उम्मीद है कि पार्टी इस बार जरूर रिवाज बदलेगी।
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय ने जुलाई 2022 सत्र के लिए विभिन्न बैचलर और मास्टर डिग्री कार्यक्रमों के एडमिशन की डेट 17 सितंबर तक बढ़ा दी है। जुलाई 2021 में सेशन में विभिन्न बैचलर डिग्री मास्टर डिग्री और जनवरी 2022 सत्र में विभिन्न बैचलर डिग्री और मास्टर डिग्री कार्यक्रमों में पहले से पंजीकृत सभी छात्र पुनः पंजीकरण के लिए पात्र होंगे। हिमाचल के शिमला से टूटूगंडी से सीटीओ के लिए एचआरटीसी की टैक्सी शुरू हो गई है। मंगलवार को शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने टूटूगंडी क्षेत्र के बाग गांव से सीटीओ तक के लिए इनोवा टैक्सी को हरी झंडी दिखाकर शुरू किया और कहा कि यहां के स्थानीय लोगों को टैक्सी के लिए बहुत पुरानी मांग को आज पूरा किया जा रहा है, जिसे यहां के बुजुर्ग, महिलाएं, बच्चे, मरीज, दिव्यांग लोगों के साथ साथ स्थानीय लोगों को शिमला शहर तक आने जाने की सुविधा उपलब्ध होगी। तो ये थी आज की कुछ खास खबरें। फिलहाल के लिए बस इतना ही, और बड़ी खबरों के लिए बने रहे न्यूज़ सुपर भारत के साथ। न्यूज़ सुपर भारत आप तक पहुंचाएगा हर खबर सबसे पहले। आप तक पहुंचने वाली हर खबर होती है सत्यापित, सत्य, सटीक, निष्पक्ष खबरें आप तक पहुंचाना ही हमारा उद्देश्य। न्यूज सुपर भारत की हर खबर पर कर सकेंगे आप सबसे ज्यादा भरोसा। न्यूज सुपर भारत, नया उभरता भारत। हर खबर निष्पक्ष दिखाता है न्यूज सुपर भारत। न्यूज सुपर भारत से जुड़ने के लिए फॉलो करें हमारी फेसबुक पेज NSP News को।